बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब हम हजरत औलिया किराम की सीरत और उनकी ज़िंदगी पर जब बात करते हैं तो कुछ औलिया किराम अल्लाह के ऐसे हैं कि हमारा जहन फौरी तौर पर उनकी तरफ चला जाता है। मसलन हजरत अलहाज सूफ़ी सैयद मंसूरुल हसन सरकार कुतुबुल औलिया, तो ये औलिया किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर वली हैं, जो कि जलील कद्र भी हैं और बहुत ही मशहूर भी है। तो अशरफी चैनल और पूरी टीम की जानिब से मैं आपका दोस्त, आपका भाई इकबाल मेमन और शाकिर भाई मलिक और रियाज काजी औलिया अल्लाह की सवार हयात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं जिसकी सवार हयात पढ़ने जा रहा हूँ, उनका नाम है सूफ़ी सैयद मंसूरुल हसन शाह सरकार कुतुबुल औलिया। महाराष्ट्र की सरजमीन पर अमन व खुलूस और भाईचारे का महान रूहानी मरकज़ खान का है हजरत अलहाज सूफ़ी सैयद मंसूरुल हसन शाह सरकार कुतुबुल औलिया। हिंदुस्तान मुल्क की सरजमीन इल्म, रूहानियत और इखलास के मातहत आज भी ना सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखती है। इस मुल्क की मिट्टी को ये खुसूस दर्जा मिला है कि सदियों से यहाँ इत्तेहाद, अमन और भाईचारगी को आम करते हुए सिर्फ यहाँ की मिट्टी पर ही नहीं, यहाँ के तमाम अफराद के जहन और दिलों पर अपना रूहानी सिक्का जमाने पर काबिज है। हजरत सूफियाए किराम ने इस पूरे मुल्क में इस्लाम की पाकीज़गी और इंसानियत के झंडे के दाई व अमीन रहे। उनकी रूहानी फ्यूज़ व बरकत के दिलकश मंजर आज भी अजमेर शरीफ से लेकर गुलबर्गा शरीफ तक अपनी सच्चाई और हक्कानियत की न मिटने वाली छाप बुनियाद पर करोड़ों भारतीयों की अकीदत का मंजर बने हुए हैं। ऐसे ही एक सूफ़ी का आस्ताना महाराष्ट्र की सरजमीन पर मुंबई मुलुंद खिंडीपाड़ा में खानकाह है सूफ़ी सैयद मंसूरुल हसन शाह रज़ियल्लाहु अन्हा हसनी मरकज़ है, जिनको सरकार कुतुबुल औलिया के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुल औलिया हजरत सूफ़ी सैयद मंसूरुल हसन शाह रहमतु रिदवान को विलायत बाशहादत बख़ानदान शहादत में शरीक करके भारत के सूबाए पंजाब में ज़िला सियालकोट के एक गांव में 1904 के आसपास हुई। ये सूबा आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है। बच्चे की मुतवज्जह करने वाली सूरत और मासूमियत के बसबब माँ बाप ने उनका नाम मंजूर रखा। उम्र के साथ साथ बच्चे की खुदादाद सलाहियतें जाहिर होने लगी। से लर्जा है इंसान का मरहबा मरहबा है असर बज़्म पर किसके फैजान का मरहबा मरहबा घर बसा दे मेरी चश्मे वीरान का मरहबा मरहबा घर बसा दे मेरी चश्मे वीरान का मरहबा 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 चांद निकला हसन के शबिस्तान का मरहबा मरहबा आसता है ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा आसता है ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा सर की जीनत अमामा है इरफान का मरहबा मरहबा वतन पर अल्लाहु अकबर
आप क्या कहेंगे सरकार के बारे में? बस माशाल्लाह कुतुबुल औलिया है, वो हर तरह की शिफा पाने लोग आते हैं, लंगर खाते हैं, लंगर में शिफा है माशाल्लाह, काफ़ी तादाद में लोग आते हैं माशाल्लाह। बस मोहब्बत में ये हुआ कि बस आ गए, दिल मोम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बुलाए हम आ गए। अच्छा, यहाँ सभी कौम के आदमी इधर तशरीफ सब ला सभी रहे? सभी, कोई जात पात का यहाँ पे नहीं है, कोई जात पात का नहीं है, हर कोई आता है माशाल्लाह। रोज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है? छः दिन का रहता है उर्स। छः दिन, उसमें क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? उसमें चादर चढ़ती है, लोग अपनी तरफ से चादर चढ़ाते हैं, संदल होता है, हर तरह के प्रोग्राम माशाल्लाह। लंगर तो छः दिन तीनों टाइम चलता है। सराफत नफसी, सच्चाई, मजहबी लगाव, खुलूस, फरेब दिली, हमदर्दी, बुज़ुर्गों का एहतराम, इस बच्चे की गैर मामूली पहचान मानी जाने लगी। जवानी में कदम रखते हुए वालिदैन ने शादी के पाक और खूबसूरत रिश्ते में बांध दिया। हजरत ने जिम्मेदारियों को कबूल करने के लिए खुद को उस्तवार करना शुरू कर दिया, लेकिन शफीक वालिद बहुत ज़्यादा बोझ डालना मुनासिब नहीं समझते थे। अल्लाह का दिया सब कुछ था, किसी किस्म की कमी नहीं थी। हजरत को दुनिया की शैर का शौक पैदा हुआ, मुख्तलिफ मिजाज के लोगों को देखने और समझने और उनमें से कई सारे लोगों को मिलने का इत्तेफाक हुआ। उन दिनों तहरीक आज़ादी शबाब पर थी, हर हिंदुस्तानी को कमोबेश तरीके से आज़ादी में दिलचस्पी थी। हजरत भी खुद को कौमी लहर से दूर ना रख सके, जल्दी ही उन्होंने खुद को सुभाष चंद्र बोस जी के फौज में सिपाही के लिबास में पाया। वतन परस्ती के जोश के साथ उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर लड़ाइयाँ लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जोशीले नारों और फौज के हर सिपाही के वलवले वह खुद को इस सैलाब का एक हिस्सा समझ रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत को एक तिनके की तरह बहा कर रख देने का जज्बा रखते थे। एक सच्चे वतन परस्त की हैसियत से उन्होंने वतन पर कुर्बान होने की पूरी ईमानदारी दिखाई थी, मगर वही वतन अजीज़ तकसीम कर दिया गया। वह नेताजी को दिलोजान से चाहते थे, उन्होंने गुमशुदा करार दे दिया गया। वह आज़ाद हिंद फौज को अपनी शान समझते थे, उनका वजूद माजी की यादों में मक्तल हो चुका था। अपना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आप 1953 में हजरत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा सूफी मोहम्मद हसन शाह, जिनका मजार भैंसोली शरीफ जिला रामपुर यूपी में मौजूद है, पहली नज़र में मुस्तकबिल के मुरीद व मुर्शिद दोनों में असर पैदा किया और दोनों ने अपने आप को काबू में रखा और कुछ भी इजहार न किया। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? ऐसा कहूँगा कि हजरत जो हमारे जो हैं वो आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि एक ये नादिर शख्सियत थी और इनकी सोहबत पाने का हमको जो एक खुशनसीबी हमारे ऊपर थी कि अल्लाह की मेहरबानी थी कि जो हमको इनकी सोहबत मिली और उनकी तहवील में आए और उनके पास से हमने बहुत कुछ सीखा। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और दीन के लिए जो जज्बा होता है, इस सब को कैसे अपनी ज़िंदगी में ढाने का, उसके उन्होंने हमको सब बहुत तालीम दी और वो इसके ज़रिए हमने उनके पास से बहुत इस्तेफादा हासिल किया जी। हिंदुस्तान भर में सरकार की खानकाएँ कम से कम मैं समझता हूँ एक अंदाज़ के मुताबिक 15 से 20 खानकाएँ हैं पूरे मुल्क के अंदर। पूरे मुल्क में हाँ, वही आमो लंगर आम वगैरह आम लंगर हाँ रोज़ाना लंगर चलता है सब जगह। जिससे इमदाद चंदा वगैरह लिया नहीं नहीं नहीं, नहीं चंदा वगैरह का कोई नहीं कानून इधर है। मुलाकातें और फिर बैत की रस्म के साथ पीर और मुर्शिद का तार जुड़ गया। वालिदैन ने हजरत कुतुबुल औलिया का नाम मंजूर रखा था, पर हजरत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह ने उन्हें मंसूरुल हसन कहकर पुकारा।
اس نام سے آپ سلسلے میں مقبول ہوئے، آپ نے اپنے مرشد کے کرم سے خانقاہ کی تعمیر کی۔ موجودہ خانقاہ کی آرزی راجہ نام نامی نیک طبیعت انسان سے قیمت دے کر حاصل کی، جو تھوڑے پیسوں کا انتظام ہو سکا تھا اس سے سر چھپانے کے لائق کمرہ تعمیر کر لیا گیا۔ کھلی جگہ اوبڑ کھابڑ اور پتھروں سے بھری تھی، اسے آپ نے اپنے مریدین کی مدد سے برابر کر لی تاکہ کھلے میں ہی صحیح مگر روزانہ کی عبادت، حلقۂ ذکر، درود و وظائف، میلاد و فاتحہ خوانی، نجر و نیاز اور آنے والے مہمانوں کے لیے قیام و طعام، اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے سہولتیں حاصل ہو سکے۔ تو آئیے ہم دوسری ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت سید ذہیب نظامی، جو دلہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں، آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے کچھ تاثرات حضرت کی، وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، تو آئیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سید ذہیب نظامی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے یہاں سالانہ عرس مبارک میں جگنو میاں سرکار جو ہیں ان کے بلاوے سے میں یہاں پر آیا، اور ماشاءاللہ یہاں آ کے مجھے انتظام اور اہتمام بہت شاندار، بہت خوبصورت لگا۔ جو یہاں انہوں نے لنگر کا اہتمام کر رکھا ہے، انتظام ہے تمام لوگوں کے لیے، اور یہاں جو بھی رسم و رواج ہے، جو چشتیہ سلسلے کے اندر رسم و رواج ہے، وہ تمام یہاں پہ اس چیز کے اوپر عمل کرا جا رہا ہے اور تمام زائرین کے لیے خیال رکھا جا رہا ہے، جیسے کہ یہاں پہ میڈیسن کا بھی تمام انتظام ہے اور زائرین کے لیے خصوصاً خاص تینوں وقت کا لنگر کا انتظام۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی یہاں پر آئیے اور فیض ولی اللہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حاصل کریے۔ جی، ہمارے سامنے اس وقت گجرات کے مہیساگر ضلع کے مشہور و معروف اولیاء کرام قاضی میاں محمود دریائی دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ کے اوپر عرس کے موقع پر چار روز کھانا جو کھلاتے ہیں، جن کا نام ہے بابلا بھائی پٹیل، جو بامبے کے ہی رہنے والے ہیں، دراصل میں ان کا نیٹو پیلس راجستھان ہے، وہ بھی اس آستانہ عالیہ کے اوپر اس وقت موجود ہے۔ آؤ پوچھتے ہیں ان سے کیا فیضیاب ان کو یہاں کیا حاصل ہوا۔ یہاں جو فیضیاب حاصل ہوا ہے کہ یہاں دیکھا، فرسٹ ٹائم آئے میں اور سنا کہ بہت اچھی ہستی تھی، یہاں دیکھا بہت ویوہار، لنگر، یہ سب، اتنے لوگ، صاف صفائی، ہر چیز میں یہاں لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، اور یہاں پہ مانا ہوا یہ مزہ رہی ہے۔ اپنی نعت مکمل کرے، برائے مہربانی۔
लौटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपका नाम? धीरज चंद्रकांत सूर्यवंशी। धीर्यकांत सूरजवंशी, ये आप सरकार सूफी साहब की चौखट पर हाजिर हुए हैं, आओ इनसे पूछते हैं। जी, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, इधर मैं पहली बार आया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। ये मैं सुन के था सिर्फ कि इधर सांगली में आते थे ये इधर के, और इधर आने के बाद पता चला कि इनका इधर प्रस्त कितना बड़ा है जी। अच्छा लगा इधर आके, मन को शांति मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देख रहे हैं आप, इधर बहुत से मतलब जायरीन, इसमें कोई जैसे हिंदू मुस्लिम सभी मिल के आ रहे हैं, इधर कुछ सरदार भी आ रहे हैं, जैसे साथ में आप भी आ रहे हो। ठीक है, आपकी कुछ मन्नत है, कुछ दिली ख्वाहिश हो तो? आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद? महसूस तो अच्छा हो रहा है, मेरी ख्वाहिश तो यही रहेगी कि सब मिलजुल के अपने देश में, अपने महाराष्ट्र में सब मिलजुल के रहे, सब हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल के काम काज अच्छा करे, सबको दुआ महाराज करेंगे ही, यही अपना ख्वाहिश है। हज़रत मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर धारावी की विधायक जो हैं कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ जी भी यहां पर आए हैं, तो आप आइए हम इनसे भी कुछ सवालात करते हैं। तो मैम, आपका जो यहां आते हैं, कितने सालों से आते हैं और आपकी अकीदत के बारे में कुछ बताइए। नहीं, मैं तो दादा मियां के पहली बार आई हूँ, बड़े मियां के यहां पे हजरत को मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पे आई हूँ, इजारत करने के लिए यहां पे आई हूँ। ये मेरा पहला साल है, तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि आने वाले सालों में भी मैं यहां पे आऊँ। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो धारावी में घूमे हैं, उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को प्यार दिया है, मैं समझती हूँ वही प्यार लेने के लिए और उनका आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। कमरी महीने की 11वीं तारीख, 24वीं तारीख तकरीबात के सिलसिले में पहले से राइस थी। हजरत ने उन तकरीबात को अपनी खानकाह का हिस्सा बनाया। महदूद वसाइल के बावजूद 11वीं के फातिहा के लिए सवा शेर चावल पकाए गए। नजर व नियाज के बाद हजरत ने हुक्म दिया कि खाने को कपड़े से ढांक दिया जाए। गलत न होगा अगर इसे करामत कहा जाए कि कुदरत ने ऐसी बरकत अता फरमाई कि मौजूदा लोगों ने शायर होकर खाना तनाउल फरमाया और आसपास के रहने वाले मकामी लोगों के घर में भी भिजवाया गया। अपने मकसद के एतबार से ये खानकाह सूफी नज़रिए के फरोता, बेहतर इंसानी अखलाक व आदाब की तरबियत और मोहब्बत, भाईचारा और इज्तमाही सूझबूझ जगाने के मरकज़ के तौर पर वजूद में आने लगी। हजरत की फितरी खिदमत करने वालों के शौक़ व मुरीदेन के ज़ौक़ व अकीदत वक्तन फवक्तन हासिल होने लगे। नजरानों और मदद से खानकाह में सहूलतें हासिल होने लगी। नमाज अदा करने के लिए शायबान, गले और सामान रखने के लिए कमरा, मेहमानों को ठहराने के लिए मेहमान खाना, अकीदतमंदों के लिए महफिल खाना और उसके साथ ही बना हुजरा, हजरत ने अपनी हयात में ही अंजाम दे दिया।
یہ ان کے حسن اخلاق و انتظام کا بہترین نمونہ ہے کہ آپ کے وصال سے پہلے آپ نے اس فریضے کو آنے والے دنوں میں جاری رکھنے کے لیے اپنا وصیت نامہ تیار کروایا اور سجادہ نسیم کے طور پر اپنے پوتے صوفی سید وسیم الرحمن سا عرف جگنو میاں کو اپنا قائم مقام قرار کر دیا۔ ان کی زیر سرپرستی میں آج بھی صوفی خانقاہ کا نظام چل رہا ہے۔ سرکار کتب الاولیاء ہندوستان میں تقریباً 15 صوفی خانقاہیں چل رہی ہے جہاں پر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے انتظام ہے اور عام لنگر جاری ہے۔ صوفی میڈیٹیشن، صوفیانہ قوالی، ذکر، نعت، نماز اور تمام دھرم کے لوگوں میں بھائی چارہ و اخلاص بنائے رکھنے کے لیے کوششیں جاری و ساری ہے۔ سرکار کتب الاولیاء کے سجادہ نسین صوفی سید وسیم الرحمن عرف جگنو میاں اپنے دادا کی طرح مخلوق خدا کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں اور ان کے مریدین بھی ہر دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں جو انہیں دل و جان سے چاہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے دادا کی طرح اپنے چاہنے والوں کو شانتی بھائی چارگی سے رہنے کا پیغام دیتے رہتے ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگی پر بات کر رہے تھے۔ حضرت الحاظ صوفی سید منصور الحسن شاہ سرکار قطب الاولیاء ایک ایسے جیسان ولی جن کی شان میں شاعر یوں کہتا ہے کہ ملے نہ آرام گر کسی مریض کو جمانے سے، ملے نہ آرام گر کسی مریض کو جمانے سے تو تھوڑی سی خاک اٹھا لی جائے ان کے آستانے سے۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ ہوتا ہے اللہ کے اولیاء کرام کا مرتبہ، یہ ہوتا ہے اللہ کے عزیز اور مقرب ولیوں کا مرتبہ۔ اس وقت صوفی صاحب کے روزے پر ہم لوگ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھو یہ مہاراشٹر کے، کیا نام ہے سر آپ کا؟ سنجے چوگلے۔ ایکچولی سرکار کے پاس میں 1989 کے پاس جاتا ہوں اور تب سانگلی میں آتے تھے۔ میں بلال میں سانگلی سے کرتا ہوں، اب فی الحال میں شولہ پور میں میرا کاروبار مطلب بزنس سروس ہے۔ تب سے میں میاں کے سے ملتا ہوں تو ان کو جو بھائی چارہ، شانتی کا سندیش، آدمی نے زندگی میں کیسا سکسیس ہونا چاہیے، یہ سب انہوں نے ہم لوگوں کو سکھا کے ایک زندگی جینے کا ایک اچھا طریقہ سلیقہ انہوں نے سکھایا ہے۔ وہ ہمارے زندگی میں بہت سارے میرے فیملی کو سبھی کو یہ فائدہ مند ثابت ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ A12 نیوز اشرفی چینل سے آج ہماری پوری ٹیم کے ساتھ ہم یہاں آستانہ ہے حضرت سید صوفی منصور علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر موجود ہے اور آج ہم یہاں پر یہ جو کافی تعداد میں بھیڑ اکٹھا ہوئی ہے، ہندو مسلم سارے مذہب کے لوگ یہاں پر عقیدت کے حساب سے آ رہے ہیں اور ایسی ایک شخصیت ہے جو آپ کے خلیفہ بھی ہے اور احمد آباد کی آپ کی خانقاہ کے جو متولی بھی ہے، تو آپ آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کچھ سوالات ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں صوفی محمد رفیق شاہ سرکار قطب الاولیاء منصور حسن شاہ قطب الاولیاء کا غلام، ان کا خادم اور ان کے احمد آباد خانقاہ کا متولی ہوں اور یہ جو آپ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے یہ ایک گنگا جمنی تہذیب کی بہت بڑی مثال ہے اور یہاں پر ساری قوم کے ہندو مسلم سکھ عیسائی بڑے چھوٹے سارے جو یہاں پر آتے ہیں اپنی عقیدت لے کر کے اور اپنی مرادوں کی یہاں سے جھولیاں بھر کر جاتے ہیں اور یہ دربار ایسا ہے، ایسا سخی دربار ہے کہ یہاں سے کوئی بھی اپنی مرادیں جو لے کر آتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا۔ سرکار کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس بامبے شہر کے اندر یہاں پر آج 50 سال سے تقریباً 50 سال سے یہاں تینوں ٹائم لنگر چلتا ہے، یہاں پر مخلوق اللہ کی آتی ہیں، تینوں ٹائم لنگر کا لطف اٹھاتی ہے اور ضرورت مندوں کی یہاں سے ضرورت پوری ہوتی ہے اور سرکار قطب الاولیاء کے آستانے پر نہ کبھی کسی ذات کا، نہ کسی بھید بھاؤ کا، نہ بڑے چھوٹے کا کبھی بھی کوئی فرق نہیں کیا گیا اور سرکار نے ہمیشہ سب کو اپنے گلے سے لگایا ہے اور سرکار کا کرم اتنا بڑا ہے کہ سرکار جو ہے اتنی بڑی شخصیت ہے اور اپنے زمانے کے آزادی سوتنتر سینانی ہے، آزادی کی فوج میں کافی جنگیں لڑی ہے آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور آج بھی ہندوستان کو ایک بنائے رکھنے کے لیے، ہندو مسلم ایکتا کے لیے، قومی سوہد بنا کے رکھنے کے لیے آپ کے یہاں پر جتنے بھی متولی اور جتنے بھی والنٹیئرس ہیں اور جتنے بھی آپ کے خلیفہ ہیں وہ جی جان سے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک خوب ترقی کرے، آپس میں بھائی چارہ رہے اور آپس میں ہمارا ملک کے اندر جو ہے جو آپسی جو
भेदभाव है, जो भी बुराइयाँ हैं उसको खलास करें, उसके लिए हम लोग जी जान से मेहनत यहाँ पर करते हैं। और यहाँ मुरादमंदों के लिए आप देखोगे, जब भी आओगे तो यहाँ पर हमेशा लंगर का इंतज़ाम होता है, बाहर से प्रदेश से आने वालों के लिए रहने का पूरा इंतज़ाम होता है, और यहाँ पर कोई चंदा डोनेशन या ऐसा किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर ना चंदे की स्लिप चलती है, ना हम लोग किसी से चंदा लेते हैं। सरकार का करम है, उनका निज़ाम वो चला रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। आज हम देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान भर से काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपके फैज़ और बरकात से मालामाल हो रहे हैं। मेरा नाम अजीत भाईचल है, मैं सांगली से करता हूँ, बैंक में सर्विस करता हूँ, और हम हमारे मियाँ के दर पे आते हैं, हमारी खिदमत का अंजाम देते हैं, यहाँ से हमारी मुरादें जो भी है पूरी पूरी करके हम चले जाते हैं। और मैं मियाँ के चरणों में पेश करना चाहता हूँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। जो मतलब कि ऐसा होता है कि अपना जो गुरु है ना, आखिरी मंजिल की जो रास्ता रहता है ना, वो रास्ता बता देता है, वही रास्ते पे चलने के लिए अपने को कोशिश करनी पड़ती है। गुरु अपने को उस रास्ते पे चलने के लिए मदद करते हैं और मंजिल मंजिल तो पहुंचने की ये मदद करते हैं अपने को। और दूसरी बात ऐसी होती है कि आज की ज़िंदगी में तान तनाव की बहुत सारी तान तनाव लोग रहते हैं, बहुत तान तनाव में रहने के बावजूद काम से तान तनाव आता है, आदमी को कोई सुकून मिलता नहीं। और सुकून पाने के लिए यहाँ पे हमारे मियाँ ने बम्बई में बोलो, सांगली में खानकाह है मियाँ की, भिवंडी में खानकाह है हमारी मियाँ की, नागपुर में खानकाह है हमारे मियाँ की, ऐसे 15 दिन में एक बार प्रोग्राम आता है, लोगों को यहाँ आके बड़े मजमू आके मिल जाते हैं और लोगों को मिल जल कर प्रेम बढ़ता है। यहाँ जाति धर्म पात का कोई भी भेदभाव नहीं है, सब लोग अपने इष्ट से मिलते हैं। और इष्ट का फासला मैं दुनिया को बताऊं कैसे, आपकी बात मैं दुनिया को बताऊं कैसे, हमारे मियाँ कहते थे ये इष्ट का फासला है। यहाँ आने से मालूम पड़ता है कि यहाँ क्या मिलता है, अल्लाह का मिलता है, जिसको हिंदू में परमात्मा बोलते हैं। सब कुछ एक ही है, इसको पाने के लिए, मंजिल मकसूद पाने के लिए यहाँ आने के बाद मिलता है।